हर एक स्तर पर भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरा प्रयास चल रहे हैं। देश में बैंक अकाउंट 50% लोग के पास नहीं था, प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेके जन धन योजना हर एक व्यक्ति के लिए बैंक में खाता होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का आदेश। 5 महीने में 17 करोड़ बैंक अकाउंट पूरा देशवासियों ने, हरियाणा सहित सबने ये करके दिखाया। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंडिया में है नहीं, सोशल वेलफेयर है, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मगर प्रधानमंत्री ने जन सुरक्षा बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बैंक योजना, ये सभी सामाजिक कमजोर वर्गों के लिए मदद करने के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मोदी माने, लोग कहते मोदी माने मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया, MODI, दैट इज नरेंद्र मोदी, दैट इज द स्लोगन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और मित्रों, इसके साथ पूरा देश में 300 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें केवल दिल्ली में 200 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशन चल रहे हैं। और साथ ही साथ मित्रों, 610 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन पूरा देश में चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में दिल्ली के साथ बेंगलोर, चेन्नई, कोची, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई लाइन 3, नागपुर रैपिड मेट्रो, बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा गुड़गांव में, अहमदाबाद में, मुंबई में मोनोरेल फेज 2, चेन्नई में फेज 2, और इसके साथ ही साथ और एक 620 किलोमीटर नया मेट्रो लाइन भी प्लानिंग में एडवांस स्टेज में है, हम पूरा करेंगे सब लोग। कारण क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है, इसलिए फरीदाबाद को जोड़ना बहुत जरूरी है। अंदाजा है जो दिल्ली से फरीदाबाद जोड़ने के कारण हर एक दिन 2 लाख पैसेंजर्स का संख्या बढ़ेगा, फरीदाबाद का विकास और तेजी से होगा। जो 9 स्टेशन बनाया रास्ते पे, इंडिया में रिकॉर्ड है, 9 स्टेशन इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के द्वारा ये 9 स्टेशन बनाया।